दोस्तों हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स या ऐप पर गूगल से साइन इन करते हैं। आपको शायद पूरा याद भी नहीं होगा कहाँ कहाँ गूगल से लॉग इन किए थे, लेकिन आपकी जो डाटा है वो कंपनी के पास है। सो आप कहाँ कहाँ पर लॉग इन किए थे, सारे कंपनी या ऐप के नाम जानने के साथ साथ वहाँ से आपकी डाटा को कैसे डिलीट करेंगे, सारे डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको कोई भी ब्राउजर या गूगल पर जाके semine.com लिख के सर्च करना है, और इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है, और यहाँ पर आपको इस स्लाइडर को कुछ इधर उधर करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेट्स गो पर क्लिक करें, और इसके बाद साइन इन विद गूगल पर क्लिक करना है। इसके बाद जिस गूगल अकाउंट पर आपको चेक करना है उस गूगल अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर अलाउ करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम डालना है। इसके बाद नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा आपका वेट करना है। मेरे यहाँ पर 5 कंपनी का नाम आ रहा है, तो हम सी व्हिच कंपनी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सारे यहाँ पर कंपनी का नाम आ जाएगा। मैंने बहुत सारे कंपनी से अपनी डाटे को डिलीट किया है पहले, तो मेरे यहाँ 5 ही दिखा रहा है। तो आपको जिस कंपनी से आपकी डाटा को हटाना है तो सिंपली आप नीचे रिक्लेम पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे आपको रिक्लेम पर क्लिक करना है। इसके बाद सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, और सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी डाटा डिलीटेशन का रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आपका बैग हो जाए तो आप उस जीमेल से फिर से आपको साइन इन कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का आपको कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन का आ जाएगा। इसी तरह आप मनमर्जी जिस कंपनी से डाटा डिलीट करना चाहते हैं ऐसे रिक्लेम पर क्लिक करके आप डाटा डिलीटेशन का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके बाद आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, और लास्ट में आपको माइन अकाउंट से भी आपकी डाटा डिलीट कर देना है। नीचे डिलीट माइन अकाउंट यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर टिक करके आप डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद माइन अकाउंट से भी आपकी डाटा डिलीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर गुड बाय कर दिया है हमको। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं यहाँ पर लाते रहता हूँ। थैंक्स।